चटोरी जिंटू। वीर, मैं भी इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। देखना, मैं सबसे ज्यादा दूध पीकर फर्स्ट आऊंगा। नहीं जिंटू, तुम्हें जिन हो, तुम जादू से जीत जाओगे। कोई नॉर्मल बच्चा तुमसे मुकाबला कैसे कर सकता है? तुम मुझे किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने देते। भाइयों बहनों, हमारा नाम है क्रोधी पहलवान। हमारी डेयरी में ये कंपटीशन इसलिए रखा गया है कि बच्चों को दूध पिए की आदत पड़ जाए। जौन बच्चा सबसे ज्यादा दूध पिएगा वह फर्स्ट आएगा। चलो भाई चलो, मुकाबला शुरू करता हूँ। बस बस बिटुआ, हमार सब दूध खत्म हो गया। हम तुमका फर्स्ट प्राइज। एक मिनट सर, ये कंपटीशन फुर्सतगंज के बच्चों के लिए है। फर्स्ट प्राइज बंटी को मिलना चाहिए क्योंकि ये लड़का फुर्सतगंज का नहीं है। मेरा नाम पिंटू है। मैं फर्स्ट आया हूँ। और देखो भाई, कहे कि पिंटू जो उन्हें फुर्सतगंज का नहीं है, इसे इस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज नहीं दिया जा सकता। फिर भी हम इसे एक प्राइज तो दे ही देंगे। ये ट्रॉफी है ये बचवा पिंटू के लिए, और ये कंपटीशन में फर्स्ट आया है बंटी। ये, मैं जीत गया। अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि फुर्सतगंज में रोज हर तबेले से भैंसें चोरी हो रही हैं। पुलिस की काफी कोशिशों के बाद भी चोर पकड़ा नहीं गया है। अब सिर्फ न्यू डेयरी में ही भैंसें बची हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत सारे पहलवान कर रहे हैं। लोगों ने रोबो बॉय से अपील की है कि इस चोर को पकड़े। रोबो बॉय, अगर तुम ये न्यूज देख रहे हो तो प्लीज हेल्प। दादाजी, हमें उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? जिंटू है ना, दूध से भरा हुआ पूरी डेयरी। इसे कहो जादू से भैंस बन के खड़े हो जाए। जब चोर इसे ले जाएंगे तो ये सब कुछ देख के हमें भुला लेगा। हाँ, ये भी अच्छा आइडिया है। चलो जिंटू, एक मोटी तगड़ी भैंस बन जाओ ताकि चोर तुम्हें चोरी करके ले जाए। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वाह वाह, थोड़ी चाट खा लूं पहले। अरे ये सब क्या हो रहा है भाई? इस भैंस को चाट खाने का शौक है। देखो कैसे खा रही है। एकदम चटोरी लागत है। एके नाम जो ने चटोरी रख दे। भूल गया। ये चिंटू कहा गया? लगता है उसे चोर ले गया। अब क्या करें? उसका पता कैसे करें? कहीं उसकी याददाश्त तो गुम नहीं हो गई? मुझे जिंटू पे भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी टेल पे एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी। चलो उसे ट्रैक करते हैं। हाँ,
से ही शक था कि चोर यही होगा, क्योंकि सिर्फ इसकी भैंस ही चोरी नहीं हो रही है। तुम दोनों यही रुको, मैं जिंटू को ढूंढ के आता हूँ। अरे वाह चटोरी, खाओ खाओ, जितना चाट खाए के खा ले। जब तक हम तुम्हारे मालिक है ना, तुमका चाट के कमी ना होई। खाए जाओ खाए जाओ। ये मेरा मालिक कितना अच्छा है, यम्मी क्या चाट है। तो पूरे फुर्सतगंज की भैंस तुम चोरी कर रहे हो। ये भैंस मेरी है, मैं इसे ले जा रहा हूँ। ये कौन लड़का है जो मुझे मेरे मालिक से अलग कर रहा है। शाबाश चटोरी, मारो कमाल, बच के जाए ना पावे। हाँ जिंटू क्या कर रहे हो, जिंटू रुक जाओ। वीर, जिंटू तुम्हें क्यों मार रहा है? उसके यादाश्त गुम हो गई है। मैं जाके उसके सर पे दो डुलाटी मारूंगा और उसकी याद वापस आ जाएगी। तुम दोनों यही रुको। जिंटू, जिंटू, देखो कौन आया है। बहनों देखो, ये गधा यहाँ कैसे घुस आया। ये और उसका मालिक हमें यहाँ से ले जाना चाहता है। चलो उनको सबक सिखाते हैं। ये मुझे घेर क्यों रही हैं? इनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। हे जिंटू, अपने ही दोस्त को पिटवा रहे हो। जिंटू के सिर पे तो मैं दुलाटी नहीं मार पाया, लेकिन मेरे आगे पीछे ऊपर नीचे तमाम दुलाटियां पड़ गई मुझे। वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। अब रोबो बॉय को ही जाना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। जाओ भाई रोबो बॉय, सुना है कि तुम फुर्सतगंज के रखवाला हो भाई। सोच ही रहा था कि तुमसे मुलाकात कब होगी। रोबो बॉय, अरे हमारा नाम क्रोधी पहलवान है। वैसे तो हमको क्रोध आता नहीं है, लेकिन जब हमको क्रोध आ जाता है ना, तो हम जमीन और आसमान हिला डालते हैं। क्यों बचुआ, तुम काहे हमसे उलझ रहे हो भाई? ये तुम्हारे खेले कूदे की उम्र है। जाओ बेटा जाओ। गुस्सा मुझे भी नहीं आता है, लेकिन जब आता है तो मैं भी जमीन आसमान हिला देता हूँ। मालिक खतरे में है। वीर, चिंटू आ रहा है, उसकी सर पे मारो, उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। जिंटू के सर पे लग रही है, फिर भी उसकी याददाश्त वापस नहीं आ रही है। उसके सिर पे नहीं, सिंगों पे लग रही है। वीर, उसके दोनों सिंगों के बीच मारो, तभी उसकी याददाश्त वापस आएगी। ओके इमली। दादाजी, जल्दी से पुलिस को लेकर नई डेयरी आ जाइए। Thank you.
की बंदूक छोड़ के आम फेंक फेंक के काहे मार रहा है? समझ में नहीं आ रहा इको का हो गया। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी का जादू है जिंटू, इनको ये सब भुला दो। उन्हें ये याद नहीं रहना चाहिए कि उनकी चटोरी लड़का बन गई। ए रोबो बॉय, हमार चटोरी कहाँ गई? चटोरी तो चाट खाने भाग गई। अब तुम लोग भी जेल जाके चाट खाओ। इमली, क्या हो रहा है? अभी अभी रोबो बॉय ने भैंसों के चोरों को पकड़वा दिया है। रोबो बॉय ना होता तो पता नहीं हमारा क्या होता। Hey, subscribe to Wow Kids today.